अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एहसन सैफ, एक बार फिर आपके साथ आपके और अपने चैनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में मौजूद हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो टॉपिक ब्लॉगर्स के लिए है जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो वेब डिवेलपर्स हैं या जो SEO करते हैं। ये आज का टॉपिक उन्हीं के लिए है। तो क्योंकि आज इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से मैनुअली कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, टूल की मदद से भी कर सकते हैं। आज आपको सिर्फ टूल की मदद से करना सिखाऊंगा, बिल्कुल फ्री में, और बहुत ही सक्सेसफुल जो टूल हैं उनमें उसका शुमार होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमें इस टूल से फ़ायदा होगा उनमें जो है, हम कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है वो फाइंड कर सकते हैं, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड होगा उसकी आप डिफ़िकल्टी फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन है। ठीक है, और उसके अलावा ये टूल आपको प्रोवाइड करेगा तमाम डिटेल्स, ठीक है, अबाउट कीवर्ड से प्लस CPC कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, अगर आप एडसेंस पर काम करते हैं तो उसकी CPC आपको कितना मिलेगा उसके बारे में भी आपको कीवर्ड की डिटेल बताएगा, कंपटीशन डिटेल बताएगा कि जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उस पर कंपटीशन कितना है, और उसके बाद जो ऑलमोस्ट आपके कीवर्ड पर रैंक है साइट, ठीक है, उनकी DA मतलब डोमेन अथॉरिटी और PA पेज अथॉरिटी के बारे में भी आपको सारी डिटेल देगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको आ जाना है गूगल पर, और यहाँ पर लिखना है KW फाइंडर। ये फ्री टूल है, और आपको बताते चलूँ कि इसमें आपको डेली की सिर्फ 5 सर्चेस मिलती हैं फ्री की। ठीक है, तो आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें और अपना अकाउंट यहाँ पर बनाएं, और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, रोज़ की 5 सर्चेस, यानी कि रोज़ आप 5 सर्चेस कर सकते हैं, 5 कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, उसकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं साइन अप कर लेता हूँ और मैं इस प्रोसीजर को पॉज करता हूँ उसके बाद। जी तो फ्रेंड्स, साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, और आपके पास यहाँ पर सजेशंस होगा, ऑटो कंप्लीट होगा और क्वेश्चंस होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सर्च का एक बॉक्स होगा, यहाँ पर आप अपना कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, और जिस लैंग्वेज में आपका कीवर्ड है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कोई भी कीवर्ड को फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख लेता हूँ SES सब्जेक्ट, मैं कंट्री पाकिस्तान रहने देता हूँ, और लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ही देर में काफ़ी सारे कीवर्ड सजेशंस आ जाएंगे और उनकी डिफ़िकल्टी भी आ जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा जो कीवर्ड था वो ICS सब्जेक्ट्स था, आप उसकी यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी मंथली सर्चेस देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 6.6 सर्चेस हैं और टॉप हैं। उसके अलावा जो सर्चेस कम हो रही हैं, 5.4K सर्चेस हैं मंथली, और उसके बाद 2.9K तक सर्चेस जा रही हैं। तो इसका जो कंपटीशन है वो कह रहा है, अगर आप इसको रैंक करना चाहते हैं तो ये स्टिल ईजी है, आप इसको रैंक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो इसमें आपको CPC मिलेगा, कॉस्ट पर क्लिक मिलेगा, वो $0.33 हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये सर्चेस बता रहा है 2400 सर्चेज हैं इसकी। ठीक है, PPC बता रहा है 2 है, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी मतलब KW कीवर्ड डिफ़िकल्टी 16 है। इसके बाद जो ऑलरेडी इस पर साइट रैंक हैं, आपको उनका ये DA PA बताएगा, CF बताएगा, ट्रस्ट फ्लो बताएगा, कितनी ट्रस्टेबल साइट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो साइट है इसका DA 48 है, PA पेज अथॉरिटी इसकी 24 है, और TF इसका 0 है, लिंक्स इसके 1 है। इस तरह आपको बहुत सी डिटेल इस तरह फाइंड करने में हेल्प करेगा। इस तरह हम कोई भी कीवर्ड और उठा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू
एंड्रॉयड गेम्स गेम्स ठीक है। तो इसको सर्च करते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके बारे में देखिए, आपको बता रहा है कि जो है कंपटीशन जो है वो हार्ड है, 50 है ठीक है। इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा है और सीपीसी भी कम है, 0.31 है, और इसकी मंथली सर्चेस तो बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो आप इसके ऊपर अच्छा अर्न कर सकते हैं, पर आपको इस पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, आप इसको रैंक नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी इस पर बहुत सी साइट्स रैंक हैं जिनके अच्छे DAP हैं और ट्रस्ट फ्लो भी बहुत अच्छा है और उनके बैकलिंक्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा, लर्न करने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।